अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है पालक और आलू की सब्ज़ी। तो पालक और आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ ली है 1/2 kg पालक, जिसे कि मैंने अच्छे से वॉश किया। वॉश करने के बाद इसे मैंने फ़ाइन कट कर लिया है, ठीक है। 2 दरमियाने साइज़ के आलू लिए, जिसे कि मैंने कट करके पानी में भिगो दिया ताकि इनका रंग काला ना हो। 1 दरमियाने साइज़ का टमाटर लिया, उसे मैंने बारीक काट लिया। 1 दरमियाने साइज़ की प्याज ली, जिसे कि मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। 2 अदद हरी मिर्च ली, जिसे कि मैंने बारीक बारीक काट लिया है। 1/2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। और स्पाइसेस में मैंने यहाँ लिया है 1 teaspoon पिसा हुआ धनिया, 1/2 teaspoon हल्दी, 1/2 teaspoon भुना कुटा ज़ीरा और 1 teaspoon मैंने यहाँ पर रेड चिली ली है। आप रेड चिली और ग्रीन चिली जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। और नमक लेंगे टू टेस्ट और 1/4 cup मैं यहाँ ऑयल यूज़ करूँगी। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ एक पॉट लिया है, पॉट को प्रीहीट करेंगे और उसमें हम ऐड कर देंगे ऑयल। 1/4 cup ऑयल यूज़ कर रही हूँ मैं। जैसे ही ऑयल गर्म होगा हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी स्लाइस में कट की हुई प्याज। ये प्याज ऐड की और इसे सॉफ्ट होने तक हम कुक करेंगे। प्याज हमारी सॉफ्ट हो चुकी है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे ग्रीन चिली। इसे मिक्स करेंगे और साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे आलू। इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हम इन तीनों चीज़ों को एक साथ कुक करेंगे। एक साथ कुक करते हुए इन्हें हमें 2 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये इसमें अब हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रहे हैं। इसे मिक्स करेंगे और साथ ही अब इसमें डाल देंगे टमाटर और ड्राई स्पाइसेस। अच्छे तरीके से इसे मिक्स करेंगे। फ्लेम हमें मीडियम टू लो रखनी है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं नमक। नमक, रेड चिली और ग्रीन चिली आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें अब तकरीबन 2 टेबल स्पून के जितना पानी ऐड किया और इसे मीडियम फ्लेम पर कुक किया ताकि मसाले का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। और साथ ही अब मैं इसमें पालक ऐड कर रही हूँ। पालक को अच्छे से मिक्स करेंगे। शुरुआत में मैं आपको मेथी का बताना भूल गई थी, मैं इसमें मेथी भी ऐड करूंगी। तकरीबन 1/2 cup के जितने में मेथी ऐड करूंगी यहाँ। मेथी को मैंने एक दिन पहले साफ़ कर वॉश कर और फ्रीज़ कर दिया था। आप चाहें तो आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मैंने 1/2 cup मेथी ली है यहाँ पर और ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। बस अब मैं इसे लिड लगाकर तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक करूंगी। हमें इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पालक और टमाटर अपना पानी रिलीज़ करते हैं, ये इसी में ही कुक हो जाएगी। तो 8 मिनट गुजर चुके हैं, अब मैं आपको इसका लिड हटाकर दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी पालक आलू की सब्ज़ी रेडी है। अच्छे से 1 से 2 बार मिक्स करेंगे दोबारा। और मैं अब इसके आलू चेक करती हूँ। तो आलू भी हमारे मुकम्मल तौर पर गल चुके हैं। जो एक्स्ट्रा पानी नज़र आ रहा है हम उसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर ड्राई कर लेंगे। ये देखें जैसे ही पानी ड्राई होगा हम फ्लेम ऑफ करेंगे और इस पर धनिया स्प्रिंकल करेंगे।
ये मैंने इस पर धनिया स्प्रिंकल कर दिया है और अब मैं आपको इसे डिश आउट कर कर दिखाती हूँ। हमारी मज़ेदार सी पालक आलू की रेसिपी तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बराबर में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा।